जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, शादी से पहले कंफ्यूजन सारी दूर हो जानी चाहिए। लड़का और लड़की को हर रस्म के बारे में पता होना चाहिए, वरना ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लड़का और लड़की को उठा लिया जाता है, लेकिन तब तक भी इन दोनों को पता नहीं होता कि माला पहले कौन पहनाता है इन दोनों के अंदर। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है आई थिंक। हेलो, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ वियर्ड थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन वेडिंग। सो लेट्स सी, आज हम देखने वाले हैं कुछ और वियर्ड चीजें जो कि इंडियन मैरिजेस में होती हैं। बेसिकली ये जो है टिकटॉक कंपाइलेशन है। ओके, ठीक है, टिकटॉक बैन हो चुका है, बट शॉर्ट वीडियो कंपाइलेशन है जिसमें हम देखने वाले कुछ ज़्यादा ही वियर्ड और ज़्यादा एक्साइटेड लोग अपनी ही शादी में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वीडियो जो हमारे पास है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई है आई थिंक स्टेज पे, लड़का लड़की को ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों को भी। मैं सब कुछ छोड़ देता तेरे काले के। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। चिलैक्स चिलैक्स, मतलब आराम से यार, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, शादी से पहले कंफ्यूजन सारी दूर हो जानी चाहिए। लड़का और लड़की को हर रस्म के बारे में पता होना चाहिए, वरना ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लड़का और लड़की को उठा लिया जाता है, लेकिन तब तक भी इन दोनों को पता नहीं होता कि माला पहले कौन पहनाता है इन दोनों के अंदर। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है आई थिंक। ओह, इतना एटीट्यूड किस लिए यार, आराम से शादी हो रही है तुम्हारी, इतना ज्यादा मतलब है क्या ये, गुस्सा आ रहा है या फिर मतलब। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, लड़की को लड़का बस टच कर देता है तो मिठाई विठाई फेंक देती है और पता नहीं क्या क्या हरकतें स्टार्ट कर देती है। वैसे यहाँ पे लड़के ने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे टच नहीं करना। This is just perfect. अगर कोई तुम्हें एटीट्यूड दिखाए ना, उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की इतने अच्छे से मिठाई खिला रही है दूल्हे को, लेकिन नहीं भाई, एटीट्यूड दिखाना है। सो परफेक्शन, ऐसा ही करना चाहिए। और तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है किस बात का यार, मतलब मिठाई खिला रही है, वो जहर नहीं खिला रही है, खा लो आराम से। चुप चुप, बिल्कुल चुप। अरे अब और ऊपर कितना ले जाना है उसको, हो गया मतलब, ठीक है जो भी रसम वसम होती है हो गया ना, कितना ऊपर ले जाओगे। ऊपर ऊपर वो कोने में सीलिंग फैन ऐसे ही घूम रहा है, वो इंतजार कर रहा है किसी का सर फोड़ने का, ऊपर लिए ही जा रहे हो, लिए जा रहे हो। बेचारी वो लड़की दुल्हन चिल्लाए जा रही है डर के मारे, लेकिन फिर भी उसे ऊपर करे ही जा रहे, करे ही जा रहे हो। रुक जाओ, बस हो गया, मान लिया,
जो भी तुम्हारी रस्म है हो गई पूरी, उसको रोना आ रहा है। ऐसे ही मेरे साथ तो हुआ था एक बार, मतलब मेरी शादी नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा, मतलब मैं बोले जा रहा था रुकने के लिए लेकिन लोग मान ही नहीं रहे थे। जब मैं बहुत छोटा था तब ओके, एज यू विल एग्री कि दो तरीके के शादियां होती है। पहला जिसमें दूल्हा और दुल्हन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, मतलब जस्ट टू मच, हाँ, जिसमें मतलब उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है, आसपास क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है। और दूसरे होते हैं कुछ अलग टाइप के, कुछ ज्यादा ही शांत, शर्मीले, नर्वस टाइप के। क्या हो रहा है ये, मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि ये स्टेज्ड है, लेकिन अगर ये स्टेज्ड नहीं है, ये अगर मतलब प्लान्ड नहीं था ये, तो इट वाज प्रिटी हिलेरियस। और हर बार एक वीडियो में ऐसा कुछ होता है। That's funny, मतलब क्यों, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी उस लड़के से तो मना कर दो यार पहले, बट प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। तुम्हें पता है इस शादियों में फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आए हुए होते हैं, और स्टेज पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है उनको दूल्हा दुल्हन को कैप्चर करने में, और तुम उस स्पेशल इवेंट, उस स्पेशल मोमेंट को इतना बर्बाद कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस यार, ये क्या है, नहीं क्या है ये ऐसे फेंक के लड़की को पहना रहा है, ये ऐसे फेंक के लड़के को पहना रही है, मतलब प्लीज शादी नहीं तो मना कर दो यार, इस तरीके से इतना अच्छा मोमेंट बर्बाद मत करो। गॉड, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देख के मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी को मेरा भी ऐसे ही मेकअप करना पड़े, बट ओके वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैंने बोला क्यों, ओके फाइन, बट यार हैव सम कॉन्फिडेंस, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब तुम काले हो इसकी वजह से मतलब तुम अच्छे नहीं दिख रहे, ऐसा कुछ है तुम्हें फेस, काले लोगों की भी शादी होती है इसमें, मतलब कम ऑन, ये क्या है, इसने लिटरली 1 किलो फेस पाउडर इस लड़के के मुंह पे थोप दिया है जो बिल्कुल काला लड़का है। तुम्हें पता है मेकअप करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ कुछ थोड़ा सा एनहांस करना होता है चेहरे को, ये ऐसा नहीं होता कि उसे पेंट करके दूसरे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब के मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, मुझे पता है वो क्या करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि मेकअप का मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम चेहरे को पेंट करके दूसरे कलर का कर दोगे, हाँ कोई काला है तो काला ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि तुम उसे पेंट करके गोरा कर दोगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉयड, और या आज दूसरा दिन है जब मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ, कल 2 अपलोड्स थे क्योंकि मेरे पास वीडियो थी तो मैंने अपलोड कर दिया, आज तो शाम हो गई मुझे रिकॉर्ड करते करते ही, तो इट विल बी अराउंड शायद रात में अपलोड हो, सो थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। 2 व्यूज आ जाते हैं ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है मेरे लिए, बट थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी यहाँ तक वीडियो देख नहीं रहा होगा, थैंक यू वेरी मच, बस वीडियो को लंबा करने के लिए और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ती है लास्ट में, लेकिन जैसे ही बोलो ना कि दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, बस उसी टाइम सारे के सारे लोग भाग लेते हैं, पता नहीं क्या।